दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबूबकर है। सबसे पहले मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि यूकॉम गेमपैड को कैसा कनेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि यूकॉम गेमपैड को ऐसा कनेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये केवल लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। तो दोस्तों आपके पास यूकॉम गेमपैड है जो दुकान में 300 या 400 रुपये से मिलता है। तो दोस्तों ये यूकॉम गेमपैड है। दोस्तों इसमें एनालॉग बटन ये आपको दिखा रही है, जो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें एक रेड लाइट ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले कंप्यूटर में या लैपटॉप में कंट्रोल पैनल में आ जाए। कंट्रोल पैनल के बाद आपको हार्डवेयर साउंड नज़र आएगा, जो ये है हार्डवेयर साउंड एंड हार्डवेयर एंड साउंड। तो दोस्तों वेव डिवाइस एंड प्रिंटर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये बहुत से ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों ये गेम पैड है, गेम पैड के माउस लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और इसमें गेम कंट्रोल सेटिंग को क्लिक करना है। तो दोस्तों ये आएगा यूज़ बी गेम पैड। तो दोस्तों इसको एडवांस करना है, ओके करना है। ओके के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको टेस्ट कैसा करना है। तो दोस्तों ये बटन ऐसा घुमा रहा हूँ मैं और ये सेटिंग हो जा रहा है। दोस्तों देखें, देखिए अब दोस्तों ये बहुत आसान सेटिंग है। और फिर आपको अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना है सेलिब्रेशन के बाद आपको निक्स करना है। और इसमें सबसे पहले आपको ये बटन घुमाना होगा। घुमाने के बाद आपको एक और ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में इस बटन को आपको ऐसा घुमाना है। तो दोस्तों ये सेटिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश आएगा। फिनिश आने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद आपको ओके क्लिक करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो को अपलोड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।